हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी गार्डन। मैं ज्योति आज आपको बताऊंगी कि मानसून स्टार्ट होने वाला है। रेनी सीजन जो स्टार्ट हो गया, एक दो बार तो इधर बारिश हो भी चुकी है। और अब जो जून जुलाई में लगाने वाली सब्जियां हैं वो हमें ग्रो करनी है, जो सेम जो हमने मार्च में सब्जियां लगाई थी, वेजीज ग्रो की थी, मैंने सीडलिंग के वीडियो बना रखे हैं, वही अब इस टाइम दोबारा साल में दो बार उनका सीज़न आता है ग्रो करने का, तो वो हम दोबारा ग्रो करनी है। लेकिन जून जुलाई में सब्जी जो ग्रो करनी है उसका टेम्परेचर, अभी जून में जो 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, उस टेम्परेचर को छोड़ के अब हमें 20 जून के आसपास, जब थोड़ी कई जगहों पर बारिश आ चुकी है, थोड़ा मौसम में फ़र्क आए, तब हमें उसे ग्रो करना है। तो आज 18 जून है, तो मैं एक स्टार्ट करती हूँ। मैं तुरई, जिसको रिज गॉर्ड बोलते हैं, तुरई भी दो तरह की होती है, एक स्पोंगी तुरई होती है और एक ही रिज गॉर्ड तुरई होती है। तो तुरई जो है हम यही वाली खाते हैं, देसी तुरई बोलते हैं, हमारे राजस्थान में यही मिलती है और हमें यही पसंद आती है। और इसमें इतने गुण होते हैं, इतने गुण कि फ्रेंड्स मेरे ख्याल से कोई ऐसा गुण होगा जो इसमें नहीं होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ मैं इसको कहाँ लगाऊँगी। मैं इसको लगाऊँगी यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है मेरी ककड़ी की बेल है, ये देखिए इस पे ककड़ियाँ, ये देखिए ऐसे छोटी छोटी फ्लावरिंग होती है, पहले ऐसी फ्लावरिंग होती है और फिर ऐसे छोटी छोटी उसमें से ककड़ियाँ निकलती हैं। और ये ककड़ियाँ मैं 1 वीक में, मतलब 7-8 ककड़ियाँ एक सब्जी बन जाती है, या आप सैलेड में एक एक ले लीजिए, ऐसे निकल जाती हैं, बहुत लगती हैं। ये देखिए ये लग रही है, और ये 3-4 टब में लगी हुई हैं मेरी ककड़ियाँ। और ककड़ियाँ मुझे इस सीज़न में बहुत अच्छी मिली हैं और लंबी लंबी होती हैं खूब, मैं आपको दिखाऊँगी किसी दिन। तो चलिए, तो इसमें जो है साइड में जगह है, तो यहाँ पर हम इसको, ये जो ककड़ियाँ हैं वो खाली आधे हिस्से में है, ये जो सब्जियों वाले के पास होता है ना, मैं उसमें लाई, उसमें मैंने लगा रखी है। देखिए मिट्टी मैंने भर दी, साइड में इधर प्लास्टिक लगा दिया, या फिर जो हमारे पॉली बैग्स होते हैं उनको काट के लगा दिया, कट्टा लगा दो, कुछ भी लगा दो, इनमें क्या है स्पेस चौड़ा होता है ये, तो इसमें अच्छे से लग जाती हैं। तो इसके सीड्स मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं, इसके सीड्स अभी निकालती हूँ मैं। ये देखिए ये हैं इसके सीड्स, ये ब्लैक कलर के। तो इन सीड्स को मेरी मिट्टी जो है बिल्कुल रेडी है, और इसमें वही जो गमले की मिट्टी किस तरह बनाए उस पर मैं वीडियो बना रखी है, इसी तरह से हर वेजी की फ्लावर्स के लिए मैं गमले के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ। बस अभी गर्मी है तो गोबर खाद थोड़ा कम देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। और ये यहाँ पे ऐसे थोड़े थोड़े स्पेस में जो है मैं इनको लगा दूंगी। तो इसमें मेरे अभी गर्मी है तो मैं सैंड और कोकोपीट अच्छा मिला कर रखती हूँ, और गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट की मात्रा जो थोड़ी कम कर देते हैं, और मिट्टी जो भुरभुरी रखनी है। तो एक इधर लगा देंगे, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा मिट्टी में गोदो और वही हो जाता है। एक इधर लगा देती हूँ तो ये, और अब हम इसमें दे देते हैं पानी। बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना। और मैंने इसमें 4-5 सीड्स लगाए हैं, तो ये सीड्स अभी एक हफ्ते में जर्मिनेट हो जाएंगे, और ये 45 दिन में आपको फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके, आपके इस क्लाइंबर पे, ये क्लाइंबर बनेगी, बेल बनेगी, इस पे तोरे लगने स्टार्ट हो जाएंगी 45 दिन बाद। तो 45 दिन लग जाते हैं, और इसको जो है आप किसी रस्सी से बांध के, अब मैं यहाँ से क्या है रस्सी बांध देती हूँ, और उसको किसी पे लगा के, किसी का दूसरी जगह से बांध के उस पे चढ़ा दीजिए, या फिर आप कोई बम्बू यहाँ पर लगा डाल, इसमें बीच में डंडा लगा सकते हैं, और फिर उस पे आप चढ़ा दीजिए। वो आप देखो, देखना है कि आपको बेल को कैसे चढ़ाना है, इतने समझदार तो आप हैं। तो बस यही करना था तुरई में। और इसकी क्या केयर करनी है, इसको कितने घंटे की धूप चाहिए, इसको कितना पानी चाहिए, इसके लिए क्या फर्टिलाइज़र होंगे, वो मैं आपको इसके थोड़े प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या केयर करनी है।
तो मिट्टी कैसे तैयार करनी है आप मेरे गमले की मिट्टी वाली वीडियो देख लीजिए। और इस टाइम पे आप बहुत सी सब्जियां, वही सब्जियां, टिंडे, तुरई, घिया, ये सब आप ग्रो कर सकते हैं, खीरा, ककड़ी वापस से। और इसके ऊपर मैं जून जुलाई में क्या वेजीज ग्रो करनी है वो मैं वीडियो बनाऊंगी भी, लेकिन ध्यान यही रहे कि जून जुलाई का मतलब यही होता है, जून 15 जून के बाद स्टार्ट करते हैं हम सीडलिंग। तो और जुलाई में आप पूरा जुलाई कर सकते हैं, और अब आप स्टार्ट कर सकते हैं जून में भी। तो मैं आपको एक दो दिन में वीडियो अपलोड करूँगी क्या क्या वेजीज ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई कमी हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी हो आप मेरे साथ बने रहें। तो बाय फ्रेंड्स, अगर जो भी कुछ रह गया है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी।